ये कैसे हो गया? हम तो अदृश्य थे फिर भी। अब इसका वध दूसरी युक्ति से करना होगा मुझे। ये वानर बालक शक्तिशाली तो है ही, चतुर भी है। इसे परास्त करना जल दैत्यों के वश के बाहर है। सूर्यास्त होने को है, इनमें ही उलझा रहा तो सुमेरु वासी और पिताश्री को कैसे बचा पाऊंगा? मुझे शीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से निकलना ही होगा मुझे। ये कहां गया? ये भी अदृश्य हो गया? अच्छा, ये भी मायावी है। कठिन परीक्षा हनुमान की, चले कार्य अति दुष्कर करने। पिता के सिर ने दिया सुझाव, हनुमत से कहे धैर्य को धरने। 100 योजन दूर द्वीप प्रवाल, वहाँ ब्रह्म राक्षस विकराल। पिता सहित प्रजा विष से ग्रसित, हनुमत कैसे हरेंगे विष? महाबली हनुमत की राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। यहाँ पर कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा है, यही प्रवाल द्वीप होना चाहिए। यही कहीं होना चाहिए वैशल्य करनी पुष्प। ये क्या? मैं पुनः वहीं आ गया जहाँ से निकला था। क्या माया है फिर वही? क्या कोई मुझे उस पुष्प तक जाने से रोक रहा है? वानर बालक, हुँ?
कुंभ राक्षस हूं, इस प्रवाल द्वीप का रक्षक। मेरी आज्ञा के बिना यहां से कोई कुछ नहीं ले जा सकता। इनसे युद्ध करने लगा तो सूर्यास्त हो जाएगा। इनसे आज्ञा लेकर ही पुष्प ले जाना उचित होगा ऐसे समय में। ब्रह्म राक्षस जी, आप मुझे आज्ञा ही दे दीजिए। मुझे मेरे सुमेरु वासियों और पिताश्री के प्राण बचाने हैं और मुझे बहुत आवश्यकता है उन विषैले करणी पुष्पों की। अच्छा तो जाओ, ले जाओ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी क्षुधा को तृप्त करना होगा। क्षुधा को तृप्त करना है, अब मैं क्या करूं? किंतु किसी निर्दोष जीव की हत्या पाप है ना? यदि मैं आपका आहार बनूंगा तो पुष्प कौन लेकर जाएगा? तो तुम बन जाओ मेरा आहार, पुष्प मैं पहुंचा दूंगा। मैं ब्रह्म राक्षस हूं, एक क्षण यहाँ हूँ तो दूसरे क्षण में सुमेरु पहुँच सकता हूँ। यदि आप ऐसा करने का वचन देते हैं तो मैं सहस्त्रों सुमेरु वासियों और पिताश्री के प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपकी क्षुधा को तृप्त भी कर सकता हूँ। अच्छा ये वचन है मेरा तुम्हें वानर बालक। उचित है, खोलिए अपना मुख, मैं अभी आपकी क्षुधा को तृप्त करता हूँ। ठीक है। हनुमान को ब्रह्म राक्षस ने निकल लिया, फिर वह कैसे बचे? ये जीवन एक चक्र है प्रिय, घूमता रहता है ये चक्र। कल जो कर्म बाल हनुमान ने किया था, आज उनके साथ भी वही घट रहा था। एक समय उन्होंने सूर्य को निगला था, नियति ने आज ऐसी ही स्थिति उनके सामने लाकर खड़ी कर दी। आज हनुमान को भी किसी का ग्रास बनना पड़ा। किंतु ये तो बड़ी ही विचित्र लीला हुई उनके साथ। दूसरों के संकटों का मोचन करने वाले अपने संकट का मोचन कैसे करेंगे? Thank you.
मुझे क्षमा कर दो वानर बालक। आप मेरे जीवन में उद्धारकर्ता भगवान बनकर आए हैं बालक। आपके ही कारण मुझे ब्रह्म राक्षस योनि से मुक्ति मिली है। मेरे दुष्कर्मों के कारण मुझे ऋषि अग्निवर्ण ने श्राप देकर इस योनि में पहुंचा दिया। मेरी मुक्ति तभी होनी थी जब कोई दिव्य शक्ति मेरे मुंह में जाती। इसीलिए मैं सबको अपना आहार बनाता था। आप ईश्वरीय शक्ति बनकर मेरे मुंह में गए और मुझे मुक्ति मिल गई। अब अपने चरणों में मुझे स्थान दे दीजिए प्रभु। अरे अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं ब्राह्मण देव? मैं सुमेरु की महारानी अंजना का पुत्र हनुमान हूँ। मैं अभी बालक हूँ और आप मुझसे बड़े हैं। माँ कहती हैं कि बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं। यदि बड़े छोटों के चरण छूते हैं तो छोटों को पाप लगता है। आप मुझे आशीर्वाद ही दे दीजिए बस। मेरा आशीर्वाद सदैव आपके साथ है दिव्य बालक हनुमान। ब्राह्मण देव, आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे मेरे सुमेरु वासियों और पिताश्री के प्राण बचाने हैं और मुझे यहाँ से एक बूटी चाहिए, विशैल्य करनी पुष्प, और उसे मुझे सूर्यास्त से पहले सुमेरु ले जाना है। अभी कुछ ही समय शेष है। चलिए करनी पुष्प। क्या हुआ, कुछ समस्या है? वो ब्राह्मण देव, अभी भी कुछ विष का प्रभाव रह गया है अंदर और मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं कर सकता। मुझे शीघ्र ही ये पुष्प लेकर सुमेरु लौटना होगा। बस एक क्षण के लिए रुकिए। अब आपको विष बाधा नहीं सताएगी। धन्यवाद ब्राह्मण देव। प्रणाम। आपका कल्याण हो। सूर्य तो अस्त होने को है। कारण हुआ है और मैंने ही इसे जन्म दिया है। हम दोनों आपके अपराधी हैं। मैंने तो प्रयास किया दैत्य गुरु शुक्राचार्य से इन सब की विष बाधा हरने के लिए विनती भी की, किंतु उन्होंने मेरी विनती ठुकरा दी। मैं असफल हो गया। मुझे मृत्यु दे दीजिए अब।
मेरे कारण सब समाप्त हो गया। महाराज केसरी भी। बस कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। सूर्यास्त अभी हुआ नहीं है, मेरा हनुमान आएगा, मेरे लाल के रहते हुए किसी का कुछ बुरा नहीं हो सकता। द्वीप से कोई नहीं लौटा है आज तक। सुमेरु में अमावस का अंधकार बनकर निकलेगा आज पूर्णिमा का चांद। वो देखो क्या है वहां। हनुमान सब समाप्त हो गया। नहीं अभी है कुछ पल। लखन जी आए श्री रघुवीर हर शि पंचफन तुम ये लो। वैद्यराज जी आप यहाँ आइए। वैद्यराज जी आप इन सारे गांव वालों को स्वस्थ कर दीजिए। जी युवराज। पिताश्री आपको कुछ नहीं होगा।
स्वामी। हनुमान देखो तुम्हारे पिताश्री। युवराज हनुमान की जय। युवराज हनुमान की जय। केसरी नंदन हनुमान की जय। युवराज हनुमान की जय। युवराज हनुमान की हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।